दोस्तों लावा एक्चुअली कर क्या रहा है, बजट रेंज पर चाइनीज फोन का जो बड़ा सा मार्केट है लावा अकेले ही हिला दिया है और लावा और भी एग्रेसिव हो गया है कम से कम कीमत एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिकेशन। प्रीवियसली लावा अग्नि 2 5G को लॉन्च किया था 20,000-21,000 में, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन था, मैंने भी रिकमेंड किया। और लावा अपना अभी ब्लेस सीरीज का अंडर ब्लेस कर्व 5G को लॉन्च करने वाला है एंड इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट लावा ने खुद कंफर्म कर दिया है एंड स्पेसिफिकेशन भी बाहर आ गया है। और ये फोन सबसे कम कीमत वाला कार्ड पैनल के साथ, ग्लास बिल्ड के साथ, बहुत बढ़िया प्रोसेसर के साथ, बहुत बढ़िया कैमरा के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, जो इस वीडियो के साथ मैं शेयर करूंगा प्राइस इन डिटेल सब कुछ। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अंत तक देखिए और इस टाइप का वीडियो मोबाइल अनबॉक्स रिव्यू रिलेटेड वीडियो आगे जाकर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए लावा ब्लेस कार्ड 5G बहुत बड़ा नाम है एंड आपको इधर बड़ा सा डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाएगा, 6.7 एवब आपको इधर लार्ज टाइप का डिस्प्ले मिलेगा, ऑब्वियसली कर्व एमोलेड पैनल है, थिन बेजल भी देखने के लिए मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको बराबर देखने के लिए मिलेगा एंड बैक साइड पर लावा अग्नि 2 5G की तरह ही आपको ग्लास बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। जो प्राइस के साथ लॉन्च करेगा ना, वो प्राइस रेंज पर आपको बहुत बढ़िया एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी इधर लावा आपको प्रोवाइड कर रहा है। और देखिए बैक सेक्शन पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा तो कंफर्म हो गया है 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, बट OIS शायद आपको देखने के लिए मिलेगा, बट सोनी का सेंसर इधर कंफर्म हुआ है, सोनी का सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल भी हो सकता है और 2+2 का कैटेगरी भी हो सकता है, 8 मेगापिक्सल लावा प्रोवाइड करता है, शायद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट सेक्शन पर सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का होगा, मैक्सिमम फुल HD फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा से 4K 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। जो प्रोसेसर का सेगमेंट है मीडियाटेक डायमेंसिटी का 6nm बेस 7050 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जिसका अंततः स्कोर 5,65,000-70,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। एक ठीक ठाक प्रोसेसर है जो प्राइस पर लावा इधर लॉन्च करने वाला है। दोस्तों परफॉर्मेंस सेक्शन पर आपको रैम टाइप LPDDR5X एंड स्टोरेज टाइप UFS 3.1 देखने के लिए मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये फोन बहुत किलर होने वाला है। बैटरी का सेक्शन पर आपको 5000mAh बैटरी, 44W और 67W का चार्जर का सपोर्ट आपको मिलेगा, चार्जर इनबॉक्स मिलेगा, टाइप सी पोर्ट है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का शायद आपको सपोर्ट भी नहीं देखने के लिए मिल सकता है, सिंगल स्पीकर भी हो सकता है क्योंकि इधर कॉस्ट कटिंग थोड़ा मोड़ा होगा एंड 3.5mm ऑडियो जैक भी मिलेगा एंड सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया होगा क्योंकि लावा इधर स्टॉक एंड्रॉइड का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आपको स्टॉक एंड्रॉइड 14 के साथ देखने के लिए मिलेगा, आगे जाकर 15 एंड 16 का कॉन्फर्म अपडेट प्लस 1 ईयर सिक्योरिटी पैच लेवल का भी अपडेट मिलेगा। लावा का जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी बहुत बढ़िया है, आपको डोर स्टेप आपको सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनली इस फोन का लॉन्च डेट एंड प्राइस क्या होगा, देखिए 5th of March Amazon पर ये फोन लॉन्च कर देगा लावा एंड आपको इधर दोनों वेरियंट कॉन्फर्म देखने के लिए मिलेगा, 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल मेमोरी एंड आपको 8GB रैम के साथ 256GB का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। देखिए जो बेस वेरियंट है, बेस वेरिएंट का प्राइस सुनने को आ रहा है 17,000-18,000 के आसपास लावा लॉन्च करेगा एंड उसका साथ आपको ऑफर देकर 16,000 और अंडर 15,000 भी हो सकता है, सुनने को यही आ रहा है 15,000-16,000 ऑफर के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये फोन सबसे कम कीमत वाला फोन हो रहा है जिसके साथ आपको कर्व एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल रहा है एंड जो स्पेसिफिकेशन है एक्चुअली ऑलराउंडर वाला स्पेसिफिकेशन है। तो दोस्तों इस फोन के लिए आप लोग क्या वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है वो आप शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन पर एंड वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।